वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक का नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम बनता है तो उसमें फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, तो दो टाइप का हम लोग इसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आता है इफ देन एल्स और सेलेक्ट केस। उसके बाद आता है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, डू लूप और व्हाइल एंड लूप। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। द सिलेक्शन ऑफ डिसीजन कंस्ट्रक्ट मीन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन द कंडीशन टेस्ट। सिलेक्शन ऑफ डिसीजन का मतलब है कि इसमें जो है एक कंडीशन रहेगा और उसके टेस्ट के ऊपर में ये जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करेगा। इफ ए कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू, ए कोर्स ऑफ एक्शन और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलो, अदरवाइज अनदर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलो। तो अगर कंडीशन में ट्रू आता है तो उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज दूसरे स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। दिस कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रक्ट एज इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो इसे डिसीजन कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग में हमको सहायता मिलती है। तो वीबी में हमको बेसिकली चार टाइप के ये डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट मिलेंगे। पहला इफ देन स्टेटमेंट, दूसरा है इफ देन एल्स, तीसरा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, चौथा है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं इफ देन स्टेटमेंट। एन इफ देन स्टेटमेंट टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन, इफ द कंडीशन रिलेट्स टू ट्रू ए कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड, अदरवाइज इट इज इग्नोर। तो इफ देन स्टेटमेंट में क्या होगा, एक टेस्ट रहेगा या एक कंडीशन रहेगा, इसको वो इवेल्युएट्स करता है, अगर ट्रू आता है तो उससे रिलेटेड जो एक्शन है वो परफॉर्म होंगे, अदरवाइज वो इनको इग्नोर कर देता है। तो सिंटैक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे इफ, फिर कंडीशन, उसके बाद देन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये इसको इग्नोर करके बाहर निकल जाए। एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, इंटीजर ए में मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू असाइन कराया, बी में टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू असाइन कराया। उसके बाद जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर ए जो है बी से बड़ा आता है तो एक मैसेज बॉक्स आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर छोटा होता है उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा और वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इसका अल्टरनेट है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि हमको अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तब तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर बी बड़ा है तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग इफ देन एल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इफ देन एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट चॉइस टू द यूजर, दैट इज इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो इसमें एक कंडीशन रहेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, जैसे कि सिंटेक्स में हम लोग देख रहे हैं ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो इसके लिए जो एल्स पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा। सिंटेक्स में जैसे रहा उसके हिसाब से एग्जांपल, जो ऐसे लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए इज ग्रेटर देन बी का मैसेज आएगा, लेकिन अगर बी बड़ा होता है तो उसका एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बी इज ग्रेटर देन ई का मैसेज आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इफ देन एल्स को यूज कर सकते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स, तो एक्सरसाइज के लिए कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर है कि एक दिए गए संख्या को चेक करके बताना है कि वो ऑड है या इवन है। तो ऑड और इवन हम लोग चेक करने के लिए उस संख्या को दो से मॉडुलस निकालते हैं, और अगर वो मॉडुलस जीरो आया मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है तो वो इवन नंबर होगा। अगर रिमाइंडर आता है मतलब वो रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो मैसेज आएगा वो ऑड नंबर। ठीक, ऐसे ही हम लोग लीप ईयर चेक करने के लिए ले सकते हैं, उसमें हम लोग एक ईयर इनपुट कराएंगे और उसका मॉडुलस निकालेंगे फोर से, अगर वो जीरो आया मतलब पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में वन टू और थ्री ये तीन रिमाइंडर में से कोई एक हो सकता है। तो अगर वैसा होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नॉट ए लीप ईयर का मैसेज आएगा। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में इफ स्टेटमेंट ही है, इफ एल्स के अंदर में फिर से और कुछ कंडीशन बढ़ाने के लिए हम लोग
इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, तो ये कहलाते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ, फिर से कंडीशन, उसके बाद एल्स इफ, इस प्रकार से ये और एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर हो सकते हैं, लास्ट में फिर एल्स। जैसे यहाँ पर अगर दोनों बराबर नंबर हैं तब के लिए, तो सिंपल इफ में हम लोगों ने पहले लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये मैसेज आएगा, लेकिन अगर बी बड़ा है तो ये मैसेज आएगा। और अगर बराबर हो जाता है, तो पिछले कंडीशन में हम लोगों ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया है, अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है और बी ए से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि वो दोनों बराबर होंगे। फिर है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो जब हमारे पास में बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं, तो उस नेस्टेड इफ में उनको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसकी जगह पे हम लोग ये सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी में स्विच केस के नाम से जाना जाता है। सेलेक्ट केस इज ए मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज़ बेटर टू यूज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट इन कंपेरिजन टू इफ देन एल्स स्टेटमेंट वेन द नंबर ऑफ चेक्स आर मोर। जब बहुत सारे चेक होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो उसमें जो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट है वो ज़्यादा प्रभावी रूप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कराया है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू और असाइन किया है वेरिएबल ए में, उसको हम लोग मैच कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू 1 हुई तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए मंडे, 2 हुई तो ट्यूसडे, 3 हुई तो वेडनेसडे, इस प्रकार से ये यहाँ तक आएगा। 1 से 7 के अलावा अगर वो कुछ और इनपुट करता है तो रॉन्ग चॉइस का मैसेज आएगा केस एल्स के थ्रू। एक्सरसाइज के लिए हम लोग देख सकते हैं ग्रेडिंग वाला। तो अगर ग्रेडिंग में ए ग्रेड है तो एक्सीलेंट है, बी ग्रेड है तो गुड, सी ग्रेड है तो एवरेज, डी है तो पास। तो इस टाइप से हम लोग ग्रेडिंग के लिए सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अदर मेजर टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इज द लूप। यू कैन यूज लूप टू परफॉर्म रिपीटिव टास्क इन प्रोग्राम। तो चार टाइप के यहाँ पे लूप हम लोग देख सकते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू अंटिल और डू व्हाइल लूप। सबसे पहले फॉर लूप। फॉर लूप को यूज हम लोग करेंगे। ए काउंटर लूप इज ऑल्सो नोन एज ए फॉर लूप और ए फॉर नेक्स्ट लूप, बिकॉज द एंड्स ऑफ द लूप आर डिफाइंड बाय द फॉर स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो फॉर लूप जो है वो काउंटर लूप भी कहलाता है। इसमें जो है वो हम लोग एक काउंटर लेंगे, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद जब तक वो इस कंडीशन को ट्रू करते रहेगा तब तक हमारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे और उसके बाद नेक्स्ट काउंटर जो है वो आएगा। तो यही सब चीज़ लिखा है, द फर्स्ट टाइम द लूप इज रन द काउंटर वेरिएबल इज सेट टू द वैल्यू ऑफ द बिगनिंग पॉइंट, देन आफ्टर इच टाइम द प्रोग्राम रन थ्रू द लूप द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय द स्टेप वैल्यू। तो यहाँ स्टेप वैल्यू से हम लोग 1 या 2 ऐसा ले सकते हैं। तो इस टाइप से ये तब तक होते रहेगा जब तक कि ये इस कंडीशन को फॉल्स ना कर दे। अगर हमको फॉर लूप को रोकना है या बंद करना है तो उसके लिए हम लोग एग्जिट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने के लिए फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1 प्रिंट आई। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर प्रिंट 1 होगा, फिर ये नेक्स्ट से इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होकर ये 11 होगा और जब यहाँ पर चेंज हो चेक होगा ये 1 to 10 तो यहाँ पर वो फॉल्स होकर फिर वो एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाएगा। स्टेप 1 लेने से वो केवल 1 इंक्रीमेंट करेगा और अगर हमको 1 से ज़्यादा इंक्रीमेंट करना है, जैसे 2 इंक्रीमेंट करना है, तो स्टेप 2 लिखेंगे। उस कंडीशन में ये फर्स्ट टाइम में 1 रहेगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो ये इस टाइप से इंक्रीमेंट करता है। आगे जैसे हम लोगों को इसको बीच में रोकना है, यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और एग्जिट फॉर यूज़ करूँगा। तो जैसे ही वैल्यू 7 होगी वो हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। व्हाइल एंड व्हाइल, व्हाइल कीवर्ड
tells the program that the loop will be repeated while the condition expression is true. जब तक हमारा condition true होते रहेगा ये repeat होते रहेगा, जैसे ही वो false होगा ये execute होना बंद हो जाता है. तो इसका ये सिंपल सा सिंटेक्स है, while condition statement and while. तो ये हमारा डायग्राम. एग्जाम्पल में मैंने लिया i इक्वल टू 1 से पहले इनिशियलाइज कर लिया i वेरिएबल को, i इज लेस देन 10, तो जब तक ये उसके लेस देन है तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा. और इसमें जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं होता, तो हमको इसको मैनुअल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. एक और एग्जाम्पल मैसेज बॉक्स, तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट व्हाइल यूज करेंगे अगर हमको बीच में इसको टर्मिनेट करके बाहर निकलना है. इसी प्रकार होता है डू अनटिल लूप. तो डू अनटिल लूप इज बेसिकली द सेम एज डू व्हाइल लूप, एक्सेप्ट दैट द स्टेटमेंट इनसाइड ए डू अनटिल लूप आर रन ओनली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज फॉल्स. जब तक कंडीशन फॉल्स होता रहेगा तब तक ये रन होगा. जैसे ये ट्रू होगा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. ये हमारा सिंटेक्स. एग्जाम्पल देखते हैं, डू अनटिल आई इज ग्रेटर देन 10, तो जब तक ये 10 तक की रहेगा हमारा आई की वैल्यू वो इंटर एग्जीक्यूट होते रहेगा. जैसे ये जो है 10 या 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. इसको रोकने के लिए एग्जिट डू जो है वो स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे. इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट देखे हैं. आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू.